हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन समिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम किसान ई केवाईसी के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अगर आपका भी 6,000 रुपया साल में आ रहा है, यानी कि 4 महीना पे अगर आपका भी 2,000 रुपया आता है पीएम किसान की तरफ से, तो सभी लोग को दूसरा केवाईसी करना है। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जो पीएम किसान निधि का जो पोर्टल है जहां से ई केवाईसी करते हैं, वहां पर आधार नंबर डालते थे, एक मोबाइल नंबर डालते थे, ओटीपी आता था, उसके बाद अपने आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी भेजकर, जो भी आधार में रजिस्टर होता था मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी लेकर आप अपना पीएम किसान का ई केवाईसी कर लेते थे। लेकिन दोस्तों, वो पहले वाला ई केवाईसी है, लेकिन अब क्या हुआ है, वो क्या गवर्नमेंट क्या किया है, अब आपको एक ऐप जारी किया है पीएम किसान निधि, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से। वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, ई केवाईसी कर सकते हैं, यानी कि दो जगहों से कर सकते हैं। एक जो लॉन्च किया गया है ऐप्स, उसके माध्यम से कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं, या दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन, यानी कि अपना चेहरा को दिखाकर उसमें ई केवाईसी को सबमिट कर सकते हैं, या अगर कहीं भी वसुधा केंद्र है जो सीएससी सेंटर बोला जाता है, अगर वहाँ है तो वो सीएससी सेंटर से भी वो कर सकते हैं। जिनको जानकारी होगा वही लोग कर सकते हैं सीएससी सेंटर वाले, जिनको नहीं होगा वो नहीं कर सकते। तो सबसे बेहतरीन है, अच्छा है कि अगर आपका मतलब ई केवाईसी करना है तो आप अपना मोबाइल से ही ई केवाईसी कर सकते हैं। मोबाइल में बस कुछ नहीं करना है, उस ऐप्स को डाउनलोड करना है। जाके आप लोग जो प्ले स्टोर है उस पर लिखिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान निधि। इस तरीका से टाइप करने के बाद आपको एक ऐप्स मिलेगा। मैं उस ऐप्स को मैं डायरेक्टली जाकर ओपन कर अच्छे से कैसे केवाईसी करना है, लॉगिन कर कैसे करना है, पूरी जानकारी के साथ एक वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो के बाद में अगर इस वीडियो पर 10-15 कॉमेंट आता है तो मैं वो वाला वीडियो कैसे ई केवाईसी करना है, कैसे लॉगिन करना है, उस पोर्टल पर कैसे ई केवाईसी सबमिट करना है, पूरा एक वीडियो बना के आपको दे देंगे। यानी कि इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बस इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा प्रोसेस। उस जैसे ही उस ऐप्स को आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर एक मंत्रा का सेटिंग होगा। जो भी अगर फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं तो आप में मंत्रा डिवाइस या जो भी मोर्फो डिवाइस जो भी यूज कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन होता है, अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। अगर वो सुविधा नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली क्या करेंगे, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर आप सबसे पहले उसको लॉगिन कर लेना है उस ऐप पर। ऐप पर लॉगिन करने के बाद जो फेस ऑथेंटिकेशन होता है, जिनका भी पीएम किसान का ई केवाईसी करना है, उनको चेहरे को उसमें क्या करना है, उसको फोटो खींच लेना है, क्लिक कर देना है, 3 फोटो को क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहां पर सबमिट कर देना है और वहीं पर आपका स्टेटस दिखाता है कि जो भी आपका जमीन का रसीद क्या है, यस है, सीडिंग यस है, आपका आधार का सीडिंग क्या है, यस है, ई केवाईसी स्टेटस यस है, तीनों को यस कर देना है। अगर जमीन में प्रॉब्लम है, नो दिखा रहा है, तो आप जमीन का जो भी लैंड रिकॉर्ड है, आपका जो भी जमीन का रसीद है, उसको वहां पे अटैच करके डालना है। यानी कि तीनों को, केवाईसी का मतलब ही सभी को यस कर देना है। चलिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आता हूं जिनके माध्यम से आपको समझा देता हूं कि कैसे ई केवाईसी करना है। तो चलिए मैं उस वीडियो को लेकर आता हूँ। बस देखते हैं कि आप लोग इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं और कितना कमेंट आता है। अगर उस वीडियो को देखकर आप लोगों का कमेंट रहा 10-15, तो वो वीडियो जरूर इस वीडियो के बाद प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले ट्रिक के साथ।